और फ्रेंड्स फाइनली आज राजू वर्ल्ड पेट्स का जो ऑनर है राजू दा, बहुत पुराना रिलेशन है राजू भाई के साथ, और राजू भाई आज आए हैं और मेरा जो ये छोटा बर्ड का जो सेटअप है, मैं बहुत सारा बार आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूँ, ये छोटा बर्ड का जो सेटअप है और उसका कुछ राजू भाई के साथ शेयर करेंगे और सेटअप भी घुमा के दिखाएंगे और उससे भी कुछ नॉलेज आज हम बहुत इन्फॉर्मेशन उससे भी ले लेंगे राजू भाई के साथ। तो चलिए राजू भाई, तो ये जो छोटा बर्ड का जो सेटअप आपने जो देखा, ये सेटअप आप लोगों को आपको कैसा लगा और इसके विषय में कुछ नॉलेज हम लोग को हमको साथ शेयर करिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो इससे भी बढ़िया कुछ कर सकते हैं तो वो भी बात बताइए। एक्चुअली दादा, आपने जो सेटअप बनाया है ना, ये जो एग्जोटिक स्फिंजेस का सेटअप, एग्जोटिक स्फिंजेस का सेटअप इस तरह का होना चाहिए। अंदर का मोल देखिए, हॉट भी नहीं है, बहुत हॉट भी नहीं है और कूल भी नहीं है। हाँ। जो एग्जोटिक स्फिंजेस जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट पसंद करते हैं, एकदम परफेक्ट क्लाइमेट है, अंदर का माहौल इस तरह का है। थोड़ा इधर 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 एग्जोटिक स्फिंजेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये माहौल। तो आपको उम्मीद रखता हूँ ये जो ठंड का सीजन आ रहा है सामने, बहुत जबरदस्त अंडे बच्चे मिलेगा। तो देखिए आप लोगों का दुआर, आप लोगों का मेहरबानी की वजह से तो भाई कोशिश तो कर रहा हूँ। और ये छोटा बर्ड का ये जो डायमंड स्पैरो आप लेकर आए हो ना, डायमंड स्पैरो भी मेल फीमेल है और मेरा ख्याल से शायद बॉक्स दे देना चाहिए, और बहुत एक्टिव बर्ड्स है। हाँ। बर्ड्स भी एकदम वो तो है, बढ़िया क्वालिटी वाला डायमंड स्पैरो है। लेकिन जो बात ये है, मैंने नया ले आया हूँ और थोड़ी बीस दिन हुआ है। हाँ। तो मैंने थोड़ा सेटल हो जाए तो इसलिए मैंने ये लोगों को अभी तक नेट बॉक्स नहीं दिया। तो जब आपने जब कहा तो जल्दी नेट बॉक्स दे देंगे। हाँ। तो देखा जाए क्या बर्ड्स, एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी वाला बर्ड्स दिया है आप जिधर से लेकर आए हैं। तो चलिए, और ये जो मैं और मुझको और भी एक शौक था जो सिल्वर डायमंड पैरट, तो अभी तो सीजन का बहुत सामने आ गया। हाँ, तो सिल्वर ढूंढने से आपको जरूर मिल जाएगा। और सिल्वर डायमंड पैरट मुझे मिला नहीं, आपके पास भी होगा तो मुझे जरूर देना है सिल्वर डायमंड पैरट, जरूर बताएंगे। क्योंकि ये जो छोटा बर्ड है, छोटा बर्ड का जो कलेक्शन है आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग तो छोटा बर्ड बहुत दिन छोड़ दिया था भाई, तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ब्रीडिंग थोड़ा अच्छा हो। अब दो दिन से बर्ड्स पाल रहे हैं और बहुत सारे नॉलेज आपका ऊपर भी है, और मैंने वीडियो आपका वीडियो भी देखते हैं, काफ़ी सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं चैनल पे। तो वीडियो तो बनाता हूँ, जब आप लोग जो इतना वीडियो देखते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं था, तो आप लोग वीडियो देखते हैं बहुत मेहरबानी है मेरे लिए। अच्छा भी लगते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, मेहनत का फल तो हमेशा अच्छा होता है भाई। तो देखा जाए ये जो छोटा बर्ड का ब्रीडिंग कैसे करना है। यहाँ पे एक स्टार भी है, एक जोड़ी स्टार है, और येलो गोल्डन है, कितना जोड़ी रखे हो? येलो गोल्डियन हाँ, 5 जोड़ी तो है, ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि सेटअप बहुत छोटा है और केज का जो साइज मैंने दे दिया बहुत बड़ा है केज का साइज। यहाँ पे भी देखिए जो आउल फिंचेस है, हाँ, 4 जोड़ी आउल फिंचेस है, बर्ड बहुत तंदुरुस्त है, हेल्दी है, बहुत बर्ड्स। लेकिन आउल फिंचेस जो है इसका जो मेल फीमेल है ये समझना बहुत मुश्किल होता है भाई। एक्चुअली तो क्या है ना, आउल फिंच को फुल टाइम देना पड़ता है सबको, तो एक ही जोड़ी हमको अभी तक मिला, तो अभी जो 3 जोड़ी है मुझको समझ में नहीं आ रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है। ये तो बड़ा बर्ड नहीं है जो हम डीएनए कर ले, तो एक ही जोड़ी ने अंडा दिया है और अंडा को फॉस्टरिंग के लिए भी मैंने बिठाया हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे सब बंगाली सोसाइटी का फिंच है और इधर पे मैं गोल्डियन का अंडा भी दिया हूँ फॉस्टरिंग के लिए। केज का अंदर बंगाल सोसाइटी फिंच है? हाँ सब, ये देखिए यहाँ पे सब बंगाली सोसाइटी का, बंगाली सोसाइटी जो फिंच है इस साइड में सब बंगाल सोसाइटी फिंच है, और बंगाली सोसाइटी फिंच को मैंने सभी नेस्ट बॉक्स दिया हूँ क्योंकि थोड़ा काम करने में आसानी होगा। हाँ। तो बाहर से ही दे सकता हूँ, नेस्ट बॉक्स चेक कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है ये नेस्ट बॉक्स में क्या बंगाली सोसाइटी फिंच का रिजल्ट मिलेगा हमको? जरूर मिलेगा। तो बहुत सारा आदमी ये कहते हैं नेस्ट बॉक्स में है ना, और ये लोग वैसा बॉक्स पसंद करते हैं। अच्छा, मैं बाहर में देखा हूँ बहुत सारा आदमी कर रहा है, तो हाँ, बहुत सारा आदमी का ये भी कहना है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है बाहर में, जो फार्म है फार्म में
यही बात नेस्ट बॉक्स बंगाल सोसाइटी फिंस और एग्जोटिक फिंजेस को भी दिया जाते हैं। अच्छा। वो लोग बहुत शौक से बॉक्स ले लेते हैं। अच्छा। तो और आई थिंक बॉक्स का अंदर शायद अंडे ले कर दिया है। हाँ, 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 बहुत सारा आदमी ने, तो बहुत सारा आदमी का ये कहना है जो बहुत नॉलेजफुल ब्रीडर है, तो बहुत दिन से छोटा बर्ड करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं जे ये जब बच्चे होगा, बच्चे जब फर्टाइल होगा, इसका बच्चे ठीक से नहीं आएगा और बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है गर्मी के कारण में और ठंड का समय में एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो इसके विषय में आपको कुछ? ऐसा कुछ बात नहीं है। एक्चुअली हम एक्जोटिक स्पिंजेस का चिक्स किस टाइम पे लेते हैं? ठंड का सीजन। तो बॉक्स का अंदर का माहौल थोड़ी गर्म रहेगा तो चिक्स मरने का चांस एकदम नहीं रहेगा। हाँ, मरने का चांस कम रहेगा। तो मेरा ख्याल से बॉक्स सही तरीके से आप देख रखे हो, ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम। और इधर लाइट जाने के लिए होल भी, हाँ होल भी थोड़ा कर दिया हूँ, दोनों साइड में ही होल करके रखे हो? हाँ, दोनों साइड में। प्रॉब्लम नहीं होगा यार, यार जैसे अच्छा मिला तो मेरा ख्याल से सब चिक्स बच जाएगा। और थोड़ा अभी गर्मी का सीजन में एक्जोटिक स्पिंजेस ब्रीड करता है। हाँ, तो ब्रॉक्स देकर रखे हो, ठीक किया, नो प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स, राजूदा से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।